फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। सो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज लॉन्च है, आज बातें हो रही है न्यू शो लॉन्च के, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं अरमान, आपसे स्टार्ट करें। मेरे लिए बहुत ही एक नया जर्नी है ये। मैं खुद एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ एक रियलिटी शो पे, और ये पहली बार है जो मैं एक कोच और जज के रूप में आ रहा हूँ। एंड मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है, एक बड़ा मोमेंट है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कनिका, अदनान सर, हर्षदीप एंड रहमान सर, हम लोग सब एक स्टेज पे जुड़े हैं एक साथ, और म्यूज़िक की बात हो रही है। सबसे जो मतलब मेरे दिल के जो करीब है म्यूज़िक, उसके बारे में बात हो रही है। कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है हमारी कंट्री से। एंड ये पूरा जो शो है, इसका फॉर्मेट बहुत ही अलग है, अलग दूसरे रियलिटी शो से। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टेलीविजन पे यू नो लोगों को डेफिनेटली एक्साइट करेगा। कनिका, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अरमान ने कहा, हमारे लिए भी एक नई जर्नी है, एक नई शुरुआत है। एक बड़ी बात है कि आज हम जब पहले स्टेज पे होते थे, आज कंटेस्टेंट्स को जज कर रहे हैं। एंड काफ़ी सालों की ये जर्नी रही है, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना इतने बढ़िया कोचेज एंड जजेस के साथ हम आज एक मंच पे आ रहे हैं, और साथ में मिलकर एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी आप सबका कि हम सबको आपने इतना सपोर्ट किया, एंड स्टार प्लस का कि उन्होंने इतने अच्छे से ये एक नया
मंच सब कंटेस्टेंट्स के लिए शुरू किया है। अदनान सर, आप सबसे सीनियर हैं इसमें, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपके लिए कितना स्पेशल है ये शो? ये मेरे लिए बहुत ख़ास शो है, क्योंकि इस शो के ज़रिए हमको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है आवाज़ पे। और अक्सर मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ फॉर्मेट्स में, कुछ शोज़ में लोग जो हैं वो एक पैकेज को ढूंढ रहे होते हैं कि दिखने में भी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, मगर साथ में दूसरा पैकेज परफॉर्मेंस ये वो, और कभी कभी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है कि आवाज़ बेशक 19-20 हो लेकिन बाकी पैकेज बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो आवाज़ की क्वालिटी पे है, और उससे यहाँ से पता लग जाता है इस बात की अहमियत के हम पहले जब कंटेस्टेंट हमारे सामने आएंगे, हम उसको देखेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर उसकी आवाज़ ने हमारे दिल के अंदर एक असर किया, फिर हम बज़र दबाएंगे और फिर हम मुड़ेंगे और फिर हमको देखने को मिलेगा कि ये कंटेस्टेंट किस तरह का है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो एक कुदरत की तरफ से जो एक ऊपर वाले की दी हुई आवाज़ है वो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो जब वो आवाज़ हम सुनेंगे, फिर हम पलटेंगे, और फिर उसके बाद तकदीर भी पलटेगी। एग्जैक्टली। और फिर ये सफ़र जो है फिर आगे रवाना होगा। सो अदनान सर, काफ़ी बार आपको अप्रोच भी किया गया जज के तौर पर, मेंटोर के तौर, आप कभी आपने एग्री नहीं किया, इस बार क्या कुछ खास था, क्या कुछ स्पेशल था आपके? मेरे ख्याल में यही फॉर्मेट जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, इसी के तहत मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा सा इस बात पे थोड़ी सी मायूसी भी होती थी, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है प्रोग्राम्स में अक्सर के कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जो बहुत ही ज़बरदस्त गायक था, लेकिन शायद उसकी प्रेजेंस या उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, तो लिहाजा वो पीछे रह गया और किसी और को मिल गया, क्योंकि वो बंदा जो था वो बहुत ही चिकना था। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आवाज़ के ऊपर तवज्जो है, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर मैं तवज्जो दूंगा। सो अरमान, आपसे बात की जाए, बहुत ही यंग जज मेंटोर कोच है, उसके बारे में क्या थॉट है आपका, क्या कुछ कहना है? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही अर्ली हो गई मेरी लाइफ में। मेरा पहला जो ब्रेक था वो मुझे 18 साल की उम्र में मिला। मैं जब एक रियलिटी कंटेस्टेंट था तब मैं 10 साल का था, और मेरा फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग था मैं 12 साल का था। तो मैं बस गॉड की ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूँ, और ये एक नई जर्नी है मेरे लिए, और फैंस मुझे एक नए अवतार में देखेंगे। अभी तक उन्होंने मुझे एक प्लेबैक सिंगर के तौर पे देखा है, एक कंटेस्टेंट के तौर पर देखा है। वो जो भी जर्नी रही है वो मुझे बहुत मतलब बहुत कुछ सिखा गई है, एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट्स आएंगे इस शो पे, मैं उनके साथ काफ़ी रिलेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद उस पोजीशन में रह चुका हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा मेरे लिए इस नई जर्नी को जीते हुए, एंड इतने अमेजिंग कलाकार हैं हमारे साथ। मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है सेट्स पे। अदनान सर के साथ भी बहुत, मतलब हम लोग गपशप कर रहे हैं, नए नए जो भी शब्द हैं उर्दू के वो भी मैं सीख रहा हूँ। तो मतलब अमेजिंग है ये पूरा एटमॉस्फेयर, और रहमान सर तो है ही, जो हमारे कंट्री के सबसे लेजेंडरी म्यूजिशियन है, एंड माहौल पूरा, मतलब जैसे अदनान सर ने कहा, म्यूज़िकल है, हम वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं। एंड एक्चुअली आप कोई भी गाना सुन लो, आप सबसे पहले आप आकर्षित होते हो उस गाने से सिर्फ वॉइस की वजह से। तो इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ सेंटर करता है अराउंड द वॉइस, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक शो आ रहा है इंडिया में, इंडियन टेलीविजन पे, और हम सब इस शो से जुड़े हैं। अनिका, आप क्या कहना चाहेंगे, रहमान सर भी साथ होने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? आई थिंक टीवी पर सबसे पहली बार आप रहमान सर को देखेंगे, एंड आई थिंक एक ऐसे मंच पर कंटेस्टेंट्स के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो उनके सामने
अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड सारी दुनिया उनको देख रही है. सो एक नर्वसनेस भी है बट एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए. सो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड हम सबके लिए मिलकर अदनान जी के साथ काम करना, अरमान के साथ काम करना, हर्षदीप के साथ काम करना, सबसे कुछ सीखने को मिल रहा है एंड बहुत मज़ा आ रहा है सेट के ऊपर. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं फैंस को, अपने चाहने वालों को आपके अपकमिंग शो के लिए, क्या कुछ मिले आपसे स्टार्ट करेंगे सर? कि प्रोग्राम देखो. मेरे ख्याल में अगर व्यूअर्स जो हैं अगर वो वाकई में कोई ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिसमें उनको एक सही शुद्ध आवाज़ सुनने को मिले तो उनको डेफिनेटली इस प्रोग्राम को देखना चाहिए. क्योंकि मुझे पता है कि जो 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 टीम है वॉइस की, इन्होंने पूरे मुल्क में बहुत मेहनत की है टैलेंट को ढूंढने में, और उन्होंने स्टैंडर्ड जो अपनाया है टैलेंट का वो बहुत ऊंचा है, और लिहाजा ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी. और साथ में मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सब जो जो शिरकत कर रहे हैं इस शो में, हम सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हम बहुत मज़े भी ले रहे हैं. नोक झोंक भी है बहुत, नोक झोंक भी है बहुत ज़्यादा, और लेकिन म्यूज़िकल मस्ती भी बहुत है, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जिसका हम भी तसव्वुर नहीं कर सकते, which are completely spontaneous. काफ़ी सरप्राइजेज हैं शो में. हाँ एंड आप जब एयर हो गए ये शो तो अदनान सर ऑलरेडी हंस रहे हैं. हमें पता है कि कौन से सरप्राइजेज हैं, लेकिन हम बहुत ही एक्साइटेड हैं सब लोग. एंड मुझे लगता है कि हम लोग सब देख चुके हैं इंडियन टेलीविजन, काफ़ी शोज आते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, लेकिन ये शो बहुत ही अलग है. मुझे लगता है कि जो भीड़ में एक वो एक जो एक अट्रैक्शन होती है, आई थिंक द वॉइस इज द अट्रैक्शन. आई थिंक हिंदुस्तान को और दुनिया को सबसे पहली बार एक ऐसा शो देखने को मिलेगा जहाँ पर वो लोग बोलना और गाना और एक यूथ आइकॉन और एक अच्छे गायकों को और एक म्यूज़िक डायरेक्टर को, सबको साथ में देखेंगे. हम इतनी मस्ती कर रहे हैं, बड़ा मसाला भी है इस शो में जो बहुत ही ऑर्गेनिक है और बिना कुछ प्रेप किया हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा भी है थोड़ा बहुत. बट द बेस्ट थिंग इट्स वेरी फन एंड हम साथ में बहुत हम लोग को मजा आ रहा है. द बेस्ट थिंग अबाउट इट आई थिंक इज दैट जैसे कनिका ने कहा कि इट इज़ अनस्क्रिप्टेड, तो जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है इंक्लूडिंग म्यूजिकली, कि अचानक अगर मेरा जी चाह रहा है कुछ करने को मैं अचानक उठ के मैं कर रहा हूँ, अगर अरमान का जी चाह रहा है तो वो भी कर रहे हैं, कनिका का चाह रहा है वो भी कर रही है, तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पॉन्टेनियस शो. और वो चीज़ ऐसी चीज़ें जब होती हैं वो कभी आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, आप उनको उनमें कुछ बनावट नहीं दिखती, तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी spontaneous, very beautiful, and that is what pure music is all about. Sab dil se. And bus request hai sab fans ko, hum sab ke fans ko, that it's going to be one of the most exciting shows on TV. And ye air ho raha hai on 3rd February. Of February. And Star Plus pe, The Voice. Do check it out. We're all coming together. Thank the you. Voice. Thank you so much. All the best. Thank all you so much. Thank you. All the best. Thank you. Okay.